ବିହାରରେ ଦଶ ଗୁଣା ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ସିମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ବିହାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ବିହାରରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆୟୋଜିତ ବିହାର ବିଜନେସ୍ କନେକ୍ଟ 2023ରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଣବ ଆଦାନୀ। ବିହାରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଏଗ୍ରି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଖାପାଖି 850 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍, ଯାହାଫଳରେ ପାଖାପାଖି 3000 ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ନିବେଶକୁ ଏବେ 10 ଗୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ 8700 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଏଗ୍ରି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଛଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ 3ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବ ଗ୍ରୁପ୍, ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ 10000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହମ୍ ଅପ୍ନା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିହାର ମେ 10 ଗୁଣା ଜ୍ୟାଦା କରନା ଚାହତେ ହେ और 8700 करोड़ रुपए का निवेदन का प्लानिंग है। हम 3 एडिशनल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 10,000 लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हम अपने वेयरहाउसेस गोदाम में 150 एकड़ के स्केल में अबाउट 1200 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। इसमें से एक बड़ा गोदाम यहां पटना में ही होने वाला है। इससे 2000 लोग को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इसके अलावा हम 6 जगह में, ये 6 जगह है पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया में अपना साइलो स्टोरेज को 1.5 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 2,75,000 मेट्रिक टन करने के लिए हमारे अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। अदानी ग्रुप तारा गोदाम गुड़ी को 1 लक्ष वर्ग फुट रू बढ़ाई 65 लक्ष वर्ग फुट करने को 1200 कोटी टंका निवेश करिब। 2टी बड़ गोदाम पटना रे हबो, एथिरे पाखापाखी 2000 लोकन को नियुक्ति मिलिब। या छोड़ा पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया रे आदानी ग्रुप तार संरक्षण क्षमता 1,50,000 मेट्रिक टन रु बढ़ाई 2,75,000 मेट्रिक टन करने को एग्री लॉजिस्टिक रे 900 कोटी टंका निवेश करिब। एथरे भी पाखापाखी 2000 निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। सेभरी आगरु थिबा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन रो नेटवर्क को आहुरी संप्रसारण करने को आदानी ग्रुप 200 कोटी टंका निवेश करिब। या छड़ा नुआ कंप्रेसर्ड बायोगैस प्लांट एवं ईवी चार्जिंग स्टेशन बसाइब आदानी ग्रुप। एथिरे पाखापाखी 1500 लोक रोजगार मिलिब। आदानी विलमार प्रथम पर्यायर बिहार में चकी ओटा प्लांट, RFMM प्लांट, सोलोभेंट एक्सटेनसन प्लांट, कोजेन पावर प्लांट सह सासाराम और रोहतास प्रोसेसिंग प्लांट बसवाप 800 कोटी टंका निवेश कर आदानी ग्रुप, जोटि पाखापाखि 200 लोक निजुक्ति मिल। बिहार में आदानी ग्रुप सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी प्रवेश कर। बारसलीगंज और महाबल 2500 कोटी टंका निवेश कर। वार्षिक 10 मिलियन मेट्रिक टन सीमेंट उत्पादन हो। ଏହି ନିବେଶରେ ପାଖାପାଖି 3000 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରେ ପାରମ୍ପରିକ ମିଟର ବଦଳରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲାଗିବ। C1 ସାରଣ, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ବୈଶାଳୀ ଏବଂ ସମସ୍ତିପୁରରେ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ କରିବାକୁ 28 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲାଗିବ। ଏଥିପାଇଁ 3100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଏବଂ 2000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। हम 10 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन शुरू करेंगे। सीमेंट में हमारे इन्वेस्टमेंट से लगभग 3000 लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट गेन करेंगे। स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारा तीसरा एरिया है जिसमें हम इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। अब बिहार ट्रेडिशनल बिजली मीटर से स्मार्ट मीटर की ओर बढ़ रहा है। हम बिहार के 5 शहरों में सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली और समस्तीपुर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की निगरानी और ऑटोमेटिक करने के लिए 28 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाएंगे। बिहार भारत आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होबाकू जाउछ बोली कहिसेंती प्रणव आदानी।
2003 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ଦର ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟର ନିଜସ୍ୱ ରେଳ ଲିଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ନୀତିଶ କୁମାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲେ। ବିହାର ବିଜନେସ୍ କନେକ୍ଟ 2023ରେ ଇଜି ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍, ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଜମି ଯୋଗାଇଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବିହାର ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।